और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की, जिसमें 320 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। आज छापेमारी का चौथा दिन है। वहीं अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कैश कांड सामने आने के बाद बीजेपी शहर शहर प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। ये आखिर क्यों, देखे इस खास रिपोर्ट में। तीन दिन में मिले 320 करोड़ रुपए, धीरज साहू की गुप्त कैश फैक्ट्री, कांग्रेस सांसद का कैश लोक, ठिकानों से मिला कुबेर का खेप, मोहब्बत की दुकान में पैसों का पहाड़। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फॉर्मों पर आयकर विभाग की तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। धीरज साहू का लॉकर खुला तो उसमें करोड़ों का खजाना मिला। खजाना कोई मामूली नहीं, बल्कि 320 करोड़ रुपए था, जिसे देख सभी दंग रह गए। आपको यहां बता दें कि शुक्रवार को भी रांची, ओडिशा सहित कई ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने दबिश दी। तीन दिन तक चली इस छापेमारी में कांग्रेस सांसद की गुप्त फैक्ट्री से करीब 320 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके साथ ही छापेमारी में क्या कुछ मिला, 320 करोड़ रुपए का कैश बरामद, नोटों से भरे 156 बैग बरामद, 200 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त, नोटों से भरी 30 अलमारियां मिली, कई बैंक खातों को किया गया फ्रीज। धीरज प्रसाद साहू के घर को अब लोग कुबेर लोग भी कहने लगे हैं, क्योंकि कैश मिलने का सिलसिला 320 करोड़ तक जो पहुंच गया है। बता दे कि आयकर विभाग की टीम अब भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साहू के पास और कितनी काली कमाई हो सकती है। उसके घर से बीते दो दिनों में इतना कैश मिला है कि उसे गिनने वाली मशीनें तक खराब हो गई हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद साहू के घर मिले कैश मामले में अब झारखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। जब इतना बड़ा जो परिवार है, जो बिजनेस करता है, उसको पता है कि हम एक साथ कितनी पैसा हम ले जा सकते हैं या रख सकते हैं, और नगद अगर किसी के यहाँ इतने इतने नोट हो, इसका क्या मतलब होता है? अब हम तो नहीं समझते हैं कि अमानी के पास भी इतना नोट होगा। अगर इतना नोट कोई भी डंप करता है तो गलत करता है। तो वहीं बीजेपी ने भी प्रहार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो जनता की कमाई को कांग्रेस की तिजोरी में छिपाने की बात कह डाली। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, तीन दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी, अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कैश फैक्ट्री में अब तक तीन दिन में 320 करोड़ तक का कैश बरामद हो चुका है। कुबेर के मिले इस खजाने के बाद झारखंड में सियासत जोरों पर है। कांग्रेस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसके बाद बीजेपी यूपी से लेकर झारखंड तक धीरज साहू के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है और सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे अपने इस सांसद के खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।